ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए लिखने लगा कि आपके पास एक ऐसा स्किल सेट होना चाहिए जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, जो दूसरे लोगों पे असरअंदाज हो सके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, चलो स्किल सेट टू इन्फ्लुएंस। कभी भी बीइंग अ लीडर, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को या जिनसे आप कुछ भी कोई टारगेट अचीव करवाना चाहते हो, कुछ भी करवाना चाहते हो, कभी भी उनके साथ इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड ना करो कि वो आपकी बात को वेटेज देना छोड़ दे। हम लोग बार-बार ये काम कर जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़े सारे लोग क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ बड़ा जरूरत से ज्यादा फील कर लेते हैं, आप फिर उनसे काम ही नहीं करवा पाते, वो आपकी बात को लाइट करते हैं। और ये मसले हमारे साथ बड़े सारे लोग डिस्कस करते हैं कि सर मैं पहले ना सेल्स फोर्स में था तो मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मुझे उन्होंने प्रमोट कर दिया, अब वो जो सारे मेरे कलीग्स थे जो मेरे लेवल के थे, ठीक है, वो अब मेरे जूनियर है, मैं उनका सीनियर हूँ, लेकिन मैं जब उनसे काम करवाने लगता हूँ मेरी बात को वेटेज नहीं देते। ये बट एक रियल टाइम मसला है, लोग हमारे साथ आकर डिस्कस करते हैं, फिर हम उनको इसका सोल्यूशन क्या बताते हैं कि यार क्रिएट सम डिफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट करो उनके और अपने दरमियान। उनकी हर पार्टी में आपका जाना जरूरी नहीं है, उनकी हर गैदरिंग में आपका जाना जरूरी नहीं है, आपको ये फीलिंग देनी पड़ती है कि यार मैं तुमसे थोड़ी सी ऊपर वाली पोजीशन पे हूं। उससे क्या, उससे फायदा क्या होता है कि उनका दिमाग ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि हाँ यार इसकी बात माननी पड़ेगी, या वो नहीं है जो पहले था। अच्छा, फिर उसके बाद इस सारे स्किल सेट में और क्या शामिल होता है, जो मसले उनके होते हैं, छोटे छोटे से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपके पास उनके सोल्यूशन होने चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें आप दोनों का बेन बेन करवा देते हैं, अच्छा यार तेरा ये फायदा चलो साथ में। कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें आपको दोनों को कहना पड़ता है, तुम ये छोड़ दो साथ चलो। सो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने की स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। ये लीडर के बारे में एक बहुत बड़ी यू कैन से बात कही जाती है कि लीडर जो है उसको हर बंदे के साथ पर्सनली अटैच होना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, होना चाहिए उसको, लेकिन हर बंदे से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। सुने सबकी, लेकिन अपने दिल से फैसला करे, अपने दिमाग से फैसला करे कि यार कौन सही है कौन गलत है। बात होता पता क्या, ये आप अक्सर देखेंगे हमारी सियासी पार्टियों में भी होता है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि वो जो हेड होता ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का, वो सबके साथ उस तरह से अटैच नहीं होता, उसके इर्द गिर्द 8-10 लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, वही उसको सारी का सारी बातें फीड करते हैं, सर वो फलाने ने ये किया, वो फलाना इस तरह से बात कर रहा है। उसके रिजल्ट के तौर पे पता क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है वो सही होता है, लेकिन जिसने फीड किया ना उसका अपना को ग्रज होता है, वो अपना ग्रज निकाल देता बात करते करते। सो होता क्या, वो जो हेड होता है वो उस बंदे के साथ नाराज हो जाता है, या उस बंदे के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। So, होना क्या चाहिए, आप देखें कोई लीडर है ना, कोई बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि बहुत बड़ा इदारा है जिसमें कोई 8-10 हज़ार एम्प्लॉइज है, वो कैसे सबके साथ अटैच है, नहीं रह सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अपनी वो ये ट्रेड जो है अपने सबॉर्डिनेट्स में तो ट्रांसफर कर सकता है ना, उनको ये बात सिखाए। सो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कोई ऐसी बात होती नहीं है ना तो बहुत ज्यादा रिफाइन होकर उस तक पहुंचती है, उसके वो सारे असरात नहीं रहते जो कि वैसे किसी सिचुएशन में होंगे। सो उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, 1-to-1 किसी बंदे के साथ डील करने के वो काबिल होना चाहिए। अगर कोई उसके पास अपना मसला लेके आ रहा है तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि यार इस मसले की मैं पहले से इंफॉर्मेशन ले लूं कि है क्या, ताकि जब ये बंदा मेरे पास आए तो मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ ऑलरेडी नॉलेज हो, मैं उसका अगर उसी टाइम कोई सोल्यूशन दे सकूं तो उसी टाइम दूं, अगर नहीं तो बाद में उसका कोई सोल्यूशन दे दूं, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बात लोग होते हैं उनके पास ना मसलों के हल होते हैं लेकिन उनको वो हल बताने नहीं आ रहे होते, ठीक है। बात लोग होते हैं उनके पास ढेरों ढेर न्यू आइडियाज होते हैं, वो किसी कंपनी की मीटिंग में बैठे हुए हैं या इवन घर में भी बैठे हुए हैं, उनके अंदर जरूरत नहीं होती यार मैं बोल के ये अपना आइडिया पिच करूं, अपने इस आइडिया पे बात कर सकूं। सो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, नुकसान होता है, वही आइडिया वही वाली बात कोई और कर देता है, ठीक है, या उनका आइडिया बेटर भी होता है लेकिन कंपनी या कोई भी इदारा या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट किसी दूसरे के आइडिया को चुन लेता है, वो फिर बाद में कहता है यार मेरे पास तो इससे भी बेटर आइडिया था, लेकिन उसका फायदा नहीं होता।
सो उसको एक स्किल सेट अपना, कोई भी लीडर है उसको अपना स्किल सेट मजबूत करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम इस स्किल सेट में ऐड करते जाएं तो सॉफ्ट स्किल्स की एक लंबी लिस्ट है। उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर टीम बिल्डिंग की स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर किसी बंदे को कोई बात मनवाने की स्किल होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर किसी बंदे की पर्सनैलिटी को असेस करने की स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर एंगर मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी वो स्किल्स हैं जो किसी भी लीडर को इस काबिल बनाती हैं कि वो दूसरे बंदों को, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके।